Hello everyone, so today we will decorate a birthday gift basket. So what we need is a curtain, rough curtain and a glazed paper. मैं ये बास्केट एक बॉय के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर चूज़ किया। आप कोई भी प्यारा सा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड पे हमने इसके स्टैंड बनाना है, जिसके लिए हम आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे और उनको हमने इस तरह से अटैच कर देना है ग्लू के साथ। ग्लू करने के बाद स्टिक्स कुछ ऐसे लगेंगी, उसको हमने कवर करना है ग्रे पेपर के साथ। ग्रे पेपर को हमने किस तरह से अटैच करना है, हमने फर्स्ट उसका फोल्ड बैक साइड पर करना है, फिर हमने उसको पीछे से ला के फ्रंट साइड पे बैक टू फ्रंट फोल्ड करते जाना है इस तरह से। नेक्स्ट हमने हैप्पी बर्थडे का बैनर रेडी करना है, जिसके लिए मैं लाइट कलर यूज़ करी हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने मल्टी कलर्स की स्ट्रिप्स लगानी है। 3 इंचेस के मैंने एक बॉक्स बनाया हैप्पी बर्थडे के अकॉर्डिंग, लेटर्स के अकॉर्डिंग, और इस तरह से मैंने उसकी हाफ मेजरमेंट देके कलरफुल स्ट्रिप्स के साथ उसको पेस्ट कर दिया है। हैप्पी आप देख सकते हैं कि मैंने बना लिया है। मैं यहाँ पर बर्थडे बना रही हूँ। एक एक बॉक्स को हम कट कर लेंगे, और फिर ये हमने बर्थडे का जो है ग्लिटरी शीट मैंने इस्तेमाल की थी ब्लैक कलर की, तो मैंने अल्फाबेट्स को कट करने के बाद हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे लेटर्स के अकॉर्डिंग। अब ये कुछ मेरे पास रिबन की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रिबन पड़ी हुई थी, तो मैंने इससे जो है अपना बैनर को अटैच किया है, और मैंने लास्ट लेटर से स्टार्ट किया है उसको, हैप्पी का वर्ड जो है वाई से। स्टिक्स को मैंने बॉक्स के साथ अटैच कर दिया था, और साथ में अब मैं बैनर को भी अटैच कर रही हूँ। ये कुछ ग्लिटर शीट्स के स्टार्स मैंने कट अप किए थे, जहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस लग रही थी मुझे, मैंने वहाँ पर पेस्ट किए हैं। एल्मो थीम थी, तो मैंने एक कार्टून भी बनाकर इसके मिड पे लगा दिया था। ये हमारा बॉक्स रेडी है। इस तरह से आप कोई भी थीम के अकॉर्डिंग अपना बॉक्स रेडी कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज़।